वो कौन सी नमाज है जिसकी नमाज में आखिर रकात में चार सजदे करने पड़ जाते हैं। ईमान के अंदर कितने फ़र्ज हैं। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा हुसन पाने वाली औरत का नाम बता दीजिए। वो कौन से साहबी रसूल है जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर। अच्छा, वो कौन सा महीना है जिसमें हम वितर जो है ना जमात के साथ पढ़ते हैं। दुआई कनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है। मर्दों में सबसे ज़्यादा हुसन पाने वाला शख्स का नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फरहान। फरहान, फरहान भाई ये बताइएगा दुआई कनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है। दुआई कनूत कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? हर नमाज में पढ़ी जाती है, फजर में। कैसे फजर में? कौन सी टाइम पर पढ़ी जाती है? फजर में मैं नमाज तो नहीं पढ़ता। अच्छा, तो दुआई कनूत कैसे पढ़ी जाती है? वो तो दुआई कनूत तो हर नमाज में पढ़ी जाती है ना। नहीं, एक ऐसा नमाज है, हर नमाज में नहीं पढ़ी जाती दुआई कनूत। एक ऐसा नमाज है जिसमें दुआई कनूत पढ़ना वाजिब है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। वो इसका तो नहीं पता मुझे। दुआई कनूत ईशा की, ईशा की कौन से टाइम पे पढ़ी जाती है, कौन से रकात में, कौन सी जगह पे? अब अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अच्छा, मैं सवाल मैं कर लीजिए, कोई मसला नहीं, प्लीज सवाल कर लो। मुझे नहीं पता, मैं आपसे करता हूँ। दुआई कनूत ईशा की कौन सी रकात में पढ़ी जाती है? ईशा की कितनी रकात है नमाज? 17 रकात है। वो कौन से रकात है जिसमें दुआई कनूत पढ़ी जाती है? अगर आप दुआई कनूत ना जी तर तो आपको पता है, आप बोलो मुझे नहीं पता। पता है ना, थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया था ना। अच्छा, कंफ्यूज हो गए थे, बिल्कुल। वितर के अंदर दुआई कनूत। अच्छा, आप ये बताएं कि जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? जी तो अल्लाह को ही पता है, आप बताएं ना। नहीं, मैंने कहा ये ऐसा किताबी मसला तो मुझे खैर नहीं पता था, मुझे नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ, जन्नत में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। बिल्कुल बेशक, सही कहा आपने। जो मैंने ये वीडियो देखी थी तो मैंने आपसे सही कहा, आपसे अपलोड किए। जी जी, ज़रूर ज़रूर। आपसे वसलम की बुर्राक की जो रस्सी होगी वो किसके हाथ में होगी? ये तो नहीं पता, ये तो थोड़ा चाबी तो नबी करीम सल्लम के पास होगी, खोलेगा तो वो, लेकिन वो बुर्राक पर सवार होंगे। मतलब बिलाल अफशी के हाथ में उसकी चाबी होगी, तो आगे बिलाल अफशी होगा, पीछे नबी करीम सल्लम बुर्राक पर सवार होंगे। तो ये सवाल इस तरीके से डिफरेंट है ज़रा, इस वजह से फिर मैंने वो कर दिया। ठीक है सर। साकिब भाई, सबसे पहले मेरा सवाल बिस्मिल्लाह आपसे सवाल है, मर्दों में सबसे ज़्यादा हुसन पाने वाला शख्स का नाम बता दीजिए। थोड़ा आसान सवाल करो। आसान है, बिल्कुल ईजी है। मर्दों में सबसे ज़्यादा अभी तक हुसन पाने वाला शख्स का नाम बता दीजिए। बिल्कुल वो हुसनदार थे, लेकिन एक दूसरे भी नबी है, उसका हुसन पूरा ज़ाहिर नहीं किया था, वो दूसरे नबी का पूरा ज़ाहिर किया था। नबी थे वो, हज़रत अली। अली रज़ी अल्लाह नबी नहीं थे, सादिक। हज़रत हुसैन। बड़ा इजी सवाल है, मिस्र के बादशाह भी थे वो। हाँ, वो तो बादशाह थे। अपने भाइयों ने कुएं में भी गिराया था उनको। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, हुसन सबसे ज़्यादा हुसन। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा हुसन पाने वाली औरत का नाम बता दीजिए। हवा जो है ना, हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो भी ज़ौजा थी वो। अच्छा, वो कौन सा महीना है जिसमें हम वितर जो है ना जमात के साथ पढ़ते हैं? रमज़ान मुबारक। रमज़ान हो गया शायद, रमज़ानी। रमज़ान मुबारक के अंदर हम वितर जो है ना जमात के साथ पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो कौन सी नमाज है जिसकी नमाज में आखिर रकात में चार सजदे करने पड़ जाते हैं? चार सजदे एक नमाज आखिरी रकात में चार सजदे करने पड़ते हैं। जो रकात हमसे कज़ा हो गई हो, जो नमाज नहीं, जिसमें इमाम गलत हो जाए, तो वो चार सजदे को क्या बोलते हैं उसको? दो सजदे अपने होते हैं, उसके बाद सजदे सिवा जो करते हैं ना, वो डबल सजदा, जिसमें मतलब सजदे सिवा जो होते हैं ना, वो चार सजदे करने पड़ जाते हैं। ओह जिशान भाई, वो कौन से साहबी रसूल है जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर है? कोई और पूछे, ये बड़ा ईजी सवाल है यार, वो नाम नहीं ना मुझे याद आते इतनी जल्दी। ईजी ओके, वो कौन से सहाबी हैं जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर है?
حضرت ابو بکر صدیق ایزی سوال تھا مجھے بس میں وہی بول رہا ہوں نام نہیں یاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنا ہمارے نبی کے سامنے سو سر دے محمد بھائی علی بھائی یہ بتائیے گا ایمان کے اندر کتنے فرض ہیں سوری سر تھوڑا سا سوچو ایمان کے اندر ایمان حج زکات دو نہیں ایمان کے تین فرض ہیں یہ بتا دوں میں آپ کو کون کون سے یہ بتا دوں سوری سر ایمان کے تین فرض ہیں سب سے پہلا فرض ہے ایمان لانا فرض ہے ایمان قائم رکھنا فرض ہے کہ ایمان 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوں ایمان ساتھ لے کے جانا فرض ہے قبر میں ساتھ لے کے جانا فرض ہے یہ فرض ایمان کے ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ